एनटीवी निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। इसी क्रम में जनपद बाराबंकी में भी आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई। बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार झा ने शनिवार को शाम पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिले में कुल 23 लाख से अधिक मतदाता निर्णायक भूमिका में है। किसी तरह की समस्या किसी भी मतदाता को न होने पाए, इसलिए प्रशासन पूरा जोर लगाने की कोशिश में लगा हुआ है। इससे तमाम युवा मतदाताओं की संख्या है, पिछली बार 2019 के चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत करीब 63% था, जिसे इस बार बढ़ाना चुनौती होगी। फिर भी कुछ नहीं तो करीब 70% तो हो ही सकती है। इस बार मतदान के लिए दिव्यांग बुजुर्ग मतदाताओं के लिए पोस्टर बैलेट की व्यवस्था के साथ जेल में निरुद्ध लोगों के लिए पोस्टर बैलेट के साथ वोटरों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से 8 प्रकार के पहचान पत्रों के साथ पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव को सकुशल संपन्न करवाना भी जिम्मेदारी होगी। जो है पिछली बार से करीब 15 दिन डिलेड है और गर्मी की तरफ ही और हम लोग बढ़ेंगे, तो इसके लिए हर पोलिंग बूथ पे टेंट के माध्यम से लोगों को शेड दिलवाने की जरूर कोशिश की जाएगी और होगा भी, वो व्यवस्था होगी। पीने के पानी की व्यवस्था प्रॉपर रहेगी, टॉयलेट्स की व्यवस्था प्रॉपर रहेगी, किसी को कोई दिक्कत पूरे दिन पोलिंग प्रोसेस के दौरान नहीं आएगी, इंश्योर कराया जाएगा। जो जिला कारागार के कैदी बंद हैं उनके लिए क्या है? बाराबंकी के पब्लिक के लिए जो नए वोटर्स हैं, महिलाएं हैं, बेटियां हैं, एक मैसेज आता, एक इनविटेशन उनको वोटिंग के लिए। अभी मैंने आप लोगों को बताया भी कि इंडिविजुअल सभी लोगों के यहाँ पैम्फलेट्स भी हम लोग इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, सब लोगों को इन्वाइट करते हुए कि आप लोग जरूर आए वोट करने के लिए। आप जो पूछ रहे थे कि कारागार में जो लोग हैं उनके लिए क्या है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो लोग होते हैं उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा होती है, उसको इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस के अनुसार सुनिश्चित कराया जाएगा। एनटीवी निष्पक्ष के लिए जनपद बाराबंकी से संवाददाता मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल एनटीवी निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।